गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास, हम चैप्टर कर रहे थे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्सरसाइज है वो फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, थर्ड एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 4.3, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पे एक फिगर दे रखी है और हमने एंगल्स के नाम बताने हैं उस फिगर में, कौन कौन से एंगल उस फिगर में, वो एंगल हमने बताने हैं। देखो इस तरह की फिगर दे रखी है, ये फिगर इन्होंने दे रखी है, नाम दे रखे हैं इसके ए, ये बी है, ये सी और ये डी है। ठीक है, ये इसके नेम दे रखे हैं, हमने एंगल्स के नेम लिखने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल, एक एंगल हो जाएगा। अब ये एंगल है एक, ये वाला, इसका नाम हम लिख सकते हैं डी ए बी या फिर बी ए डी, ऐसे लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी बी ए डी। ठीक है, कोई भी एक नाम इनमें से लिखना है, मतलब जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो एंगल का जो वर्टेक्स है, वो जो पॉइंट है वो बीच में आना चाहिए। जैसे ए पे है ना ये एंगल, एंगल ए है वैसे तो ये, तो इसका नाम, पूरा नाम लिखेंगे डी ए बी या फिर बी ए डी। तो हम लिखेंगे एंगल डी ए बी या फिर आप बी ए डी भी लिख सकते हैं। दूसरा आएगा एंगल, एंगल बी पे ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। एंगल सी है इसको हम लिखेंगे एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। ठीक है, और डी पे जो एंगल बना इसको हम लिखेंगे एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए या फिर ए डी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चार एंगल हैं। अगर सिंपल सी आपने लिखना है एंगल ए का नाम, तो आप डायरेक्ट एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल ए ये हो गया, उसको आप एंगल बी लिख सकते हैं, इसको आप एंगल सी लिख सकते हैं और इसको एंगल डी लिख सकते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग से नाम ये भी दे सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। इसके बाद जो सेकेंड सम है उसमें लिखा है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। तो ये डायग्राम हम बना लेते हैं, देखो ये डायग्राम इसने दे रखे है, यहाँ पे हमने पॉइंट है जो दे रखे थे वो लिखे हैं हमने, इसने लिखा है पहले इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, डी ओ ई के अंदर कौन सा एंगल है, तो एंगल पहले देख लेते हैं हम कौन सा पॉइंट डी ओ ई के अंदर है। ये डी ओ ई ये एंगल है और इसके अंदर जो पॉइंट है वो ए है। ठीक है, इंटीरियर बोला, इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर बोला होता तो एक्सटीरियर का मतलब बाहर, तो इस एंगल के अंदर, इस एंगल के अंदर पॉइंट ए है जो इसके अंदर है। तो फर्स्ट का जो आंसर हम लिखेंगे, इसने लिखा ए, ए का हमारा जो आंसर आएगा वो है पॉइंट ए, पॉइंट ए है जो इसके अंदर है। इसके बाद लिखा इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ, ई ओ एफ इसके एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ, इससे बाहर कौन सा पॉइंट है वो पॉइंट हमने बताना है। इससे बाहर जो पॉइंट है, अब देखो ई ओ एफ के बाहर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ, एंगल पॉइंट सी है, पॉइंट सी जो इससे बाहर है। ठीक है, इससे बाहर पॉइंट ए भी है, पॉइंट ए भी हम लिख देंगे, पॉइंट ए इस एंगल से तो बाहर है ना, ये पॉइंट ए है, तो वैसे ही पॉइंट डी भी है इससे बाहर, तो हम पॉइंट डी भी लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट डी भी इससे बाहर है, जो भी पॉइंट्स इससे बाहर हैं वो सभी हमने लिखने हैं। अब सी में ये क्या कह रहा है, सी में लिखा है ऑन एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ के ऊपर कौन सा है, ई ओ एफ इसके ऊपर, इसके ऊपर एफ है, इसके ऊपर बी है, इसके ऊपर ई है, तो ये हम लिख देंगे। इसके ऊपर लिखेंगे जो पॉइंट इसके ऊपर आएंगे, पॉइंट्स एफ बी एंड ई। ठीक है, ये इसके ऊपर है ये पॉइंट, तो ये हमने लिख दिया पॉइंट एफ बी ई, एफ बी और इसके ऊपर है। अब थर्ड सम देखो, ड्रॉ ए रफ डायग्राम्स ऑफ
टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन, वन पॉइंट इन कॉमन। हमने एक डायग्राम बनाना है एंगल्स का, दो एंगल बनाने हैं। अब दो एंगल में भी कंडीशन इसने दे रखी है कि उसके अंदर कॉमन होना चाहिए, क्या कॉमन होना चाहिए, एक पॉइंट, एक पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए। तो देखो एक हम ये बना दिया और एक ये, ठीक है, इसके नाम दे देते हैं, ए यहाँ ओ लिख देते हैं, इधर बी लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे सी दे दिया। अब एक पॉइंट इनके ऊपर ये कह रहा है कि कॉमन होना चाहिए एक पॉइंट। अब देखो इस बी, ये जो बी पॉइंट है ना, ये दोनों के ऊपर है, वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है, तो एक पॉइंट कॉमन है ए ओ सी। एक तो यहाँ एंगल बन गया ए ओ बी, यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट बी इज कॉमन ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, एंड दूसरा है एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो पॉइंट बी है ना वो कॉमन है दोनों में, एक तो ये हो गया भाई। आगे कह रहे हैं टू पॉइंट्स इन कॉमन, दो पॉइंट कॉमन होने चाहिए, दो पॉइंट उनके अंदर कॉमन होने चाहिए। रफ डायग्राम हमने बनाना तो दो पॉइंट कॉमन होने चाहिए, दो पॉइंट अगर कॉमन है तो इसके ऊपर हम एक पॉइंट और ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, डी पॉइंट ले लेंगे, तो दो पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। हम लिख देंगे पॉइंट बी एंड डी आर कॉमन, ठीक है, इन एंगल ए ओ बी और बी ओ सी में बी और डी है, वे कॉमन पॉइंट हो जाएंगे। तीन पॉइंट कॉमन होने चाहिए, तो पॉइंट ही लेने हमने। अब इसमें आगे बोला इसने सी में, ये ए था, बी हमने अभी किया, जैसे कि बी में एक पॉइंट और ले लिया हमने, दो पॉइंट हो गए। अब तीन पॉइंट कह रहा तो एक पॉइंट और ले लो यहाँ पे, इधर इधर ले लो, ई पॉइंट हो गया, तीन पॉइंट इनमें कॉमन हो गए, डी ओ डी बी ई, ठीक है, डी बी ई इनमें क्या होगी, कॉमन पॉइंट होगी। आगे ये क्या कह रहा है, चार पॉइंट कॉमन होने चाहिए, तो चार पॉइंट कॉमन के लिए एक कॉमन और ले लो, एक पॉइंट और कॉमन ले लो, एफ ले लो यहाँ पे, तो चार पॉइंट कॉमन हो गए। अब आगे ये क्या कह रहा है, वन रे इन कॉमन, एक रे कॉमन होनी चाहिए, तो एक रे कोई भी कॉमन, ये कॉमन रे है इसके अंदर, ये रे है ना, ये कॉमन है ये वाली। अब ये इस एंगल की एक रे ये चली गई और इस एंगल की ये रे है, तो ये वाली जो रे है ये बीच में, ये कॉमन है दोनों में, तो एक ही डायग्राम में ये सारे के सारे बन जाएंगे आपके, ठीक है, सभी हो जाएंगे एक ही डायग्राम में बन जाएंगे सभी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।